कभी कभी धूप आ रही है, कभी कभी नहीं आ रही है, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे अंदर वहाँ पे एक मंदिर भी है। मॉर्निंग यार, देखो ये हो चुकी है सुबह। अभी आपने टाइम लैप्स एंजॉय किया होगा, तो वो टाइम लैप्स लिया था मैंने उस जगह से, और यहाँ से व्यू तो बहुत अच्छा है ही। तो इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या, इस रूम में सनराइज़ होता है इस तरफ से और सनसेट है अपोजिट, यानी कि आपको दिखाता हूँ वो जगह कौन सी जहाँ से हमारा होता है सनसेट, और यहाँ से भी ना भाई व्यू बहुत अच्छा है। हमारे 7 साढ़े 7 बजे हो गए, 8 o'clock ब्रेकफास्ट लगने वाला है, तो वी विल हैव द ब्रेकफास्ट फर्स्ट, देन हम लोग जाएंगे सीधे कुंभलगढ़, और बाकी कुछ देखने के लिए है नहीं। सो व्हाट वी गोना डू, हम लोग कुंभलगढ़ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, फ़ोटोज़ खींचेंगे और एक्सप्लोर जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा करेंगे। हाँ जी गाइस, तो देखो कुंभलगढ़ के टाइमिंग्स है 9 o'clock शुरू, 9 o'clock ओपन होता है, तो वही ब्रेकफास्ट करो 8 बजे तक, और 9 o'clock आप जाओ कुंभलगढ़ की तरफ। 10 o'clock स्टार्ट करोगे तो मे बी 1 or 2 मैक्सिमम 3 बजे तक आप आराम से नीचे आ जाओगे, ठीक है, इनफ है। क्योंकि यार व्यू बहुत अच्छा है यार, मैं विंडो ओपन करने का मेरा मन कर रहा है, चलो ओपन कर ही देता हूँ। हाँ ये है आपका व्यू यहाँ से, गार्डन है यहाँ पे, और इस तरफ इन्होंने देखो पूल बनाया हुआ है यहाँ पे। तो हम चलते सीधा ब्रेकफास्ट करने के लिए, हम तो नहा के रेडी हो चुके हैं, जो नहाने गया है उसका इंतज़ार करते हैं, तो जल्दी आती है फिर चलते हैं अपन, ठीक है। ठीक है अभी रेस्टोरेंट में चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, और आफ्टर द ब्रेकफास्ट सीधे चलते हैं हमारे बेटे जुम्मन जी के पास। ये मैंने आपको कहा था ना स्विमिंग पूल, ये रहा पूल। प्लेट्स भी लग चुकी है, ब्रेकफास्ट में आ गया हमारा ये पोहा, उपमा, चाय कॉफ़ी भी आ रही है। क्या हाल है, बढ़िया। चलो भाई ब्रेकफास्ट तो कर लिया अपन ने हैवी, और चलते हैं अब हम हमारे बेटे चुम्मा जी के पास। वो रहा मेरा चुम्मा जी। हाँ भाई क्या हाल है तेरे, बढ़िया। तो देखो हम निकल चुके हैं कुंभलगढ़ की तरफ, और यहाँ से है ये करीब 9 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ बीच में एक छोटा सा गांव आएगा, कल हम शाम को आए थे ऐसे घूमने के लिए, एक गांव है यहाँ पे ना, अगर आप कुछ भूल जाए, कुछ चीज़ें कुछ चाहिए, बेसिक चीज़ें चाहिए, तो आपको गांव में मिल जाएगी चीज़ें। ये आपका मार्केट है पूरा, देखो पाइप छाता वाता जो चाहिए सब मिल जाएगा। इस मार्केट में भी एक पेट्रोल पंप बना हुआ है, एक पेट्रोल पंप आएगा, कट पे आएगा पेट्रोल पंप भी है, एटीएम भी है, बट एटीएम के भरोसे मत रहना, यहाँ पे कैश लेकर ही आना, यहाँ पे कार्ड मोस्टली यूज़ नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा UPI से या फिर कैश। तो भाई देख लो यार, ये है लेक आपका, यहाँ पे आगे रिसॉर्ट्स बने, वो भी एक बन रहा है रिसॉर्ट, व्यू बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आने के बाद हार्श ड्राइविंग मत करना, ज़रा सी गलती हुई सीधे नीचे। देख लो भाई, वाह वाह क्या नज़ारा है यार। वो कहते हैं ना कि मंजिल में उतना मज़ा नहीं है, या मंजिल तक पहुंचने में उतना मज़ा नहीं है जितना मज़ा आपको
सफ़र में आता है तो वही है भाई, व्यू देखिए, एंजॉय कीजिए, मैं भी ठंड ठंडी हवा एंजॉय कर रहा हूँ। ₹40 फॉर इंडियन और विदेशी के लिए 600। सही है सही है, विदेशी से ₹600 लो। तो ये आपका गणेश जी का मंदिर है, ये आपका मेन द्वार है। यहाँ पे देखो खाने पीने का काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आप चाहिए तो ले लो। पानी तो बेशक ले लेना, थोड़ा सा महंगा मिलेगा लेकिन उसके बाद कुछ है नहीं पीने वीने के लिए। कुंभा राजा थे, कुंभा राजा ने इस कुंभलगढ़ को बनाया था। महाराणा प्रताप का जन्म यहीं हुआ था। यह देखो गर्मी तो हो रही बहुत तेज, ठीक है, पर ये सब देख के ना यार प्राउड फील होता है। हमारा देश में इतने साल पहले, अभी 500 साल पहले बना हुआ था ये। और ये देखो यहाँ पे सब नाम लिख रहे हैं, कोमल, बंटी, अबे शर्म करो यार। वो जो वॉल है ना, वॉल वहाँ से जा रही है, वो वहाँ पे वॉल दिख रही है, मतलब इतना कुछ। कहते हैं ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उसके बाद सेकंड नंबर हमारी है, पर हाँ सबसे पहले इंडिया में बनी थी। माने तोप के स्टैंड्स हैं, तोप आई थिंक टूट चुकी है इसलिए इसको इन्होंने यहाँ पे रखा है। और मैं यार ये जो वेदर है ना, वेदर बादल आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इस वजह से ना कभी कभी धूप आ रही है कभी कभी नहीं आ रही है, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे अंदर वहाँ पे एक मंदिर भी है, और यहाँ पे ये पेड़ है, तो आप सिर्फ इमेजिन करिए कि उस वक्त का जो दौर होगा। तो यार ये है रानी का रूम, महारानी जो थी उनका ये रूम था। ये सबसे गंदी चीज है हमारे देश की, यहाँ पे किसी ने पिचकारी मार दी है तंबाकू के, क्या है यहाँ पे लिख दिया घनश्याम कैलाश। ये कहते हैं यहाँ पे जो रानियाँ थी, मतलब जो महिला सदस्य थी, उन सब का ये मीटिंग एरिया बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे उनकी सभा लगती थी, और मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ लोग जो होते होंगे उनको शायद यहाँ बिठाते होंगे। अमेजिंग। और यहाँ से हम लोग देख नहीं पा रहे क्योंकि हमारी हाइट है बहुत कम, 5 फुट 10 इंच है उनकी, 7 फुट। तो हम लोग आ रहे हैं, जैसे कि मेरी हाइट सिर्फ यहाँ तक आ रही है, 1 फुट और समझ लीजिए वो लोग यहाँ से देख पाते होंगे। काफ़ी मेहनत के बाद, ज़्यादा नहीं सिर्फ 10-15 सीढ़ियाँ थी, उतने में थक गए। और पीछे का व्यू देखिए, आहा बेहतरीन, यू नो ठंडी हवाएं आ रही है।
बहुत अच्छा लगा है। आई थिंक मैं यहाँ पे 10-15 साल पहले आया था, क्योंकि ये जगह देख के मुझे याद आ चुका है कि हाँ मैं यहीं पे आया था। और आप एक बार व्यू एंजॉय कीजिए। ये आप दीवारें देख रहे हैं, ये दीवारें हैं पूरे इस किले के आसपास पूरे कवर कर रही है। अगर आप चाहें तो इस दीवार की ओर चलते जा सकते हैं, बट आप कहते हैं कि आगे कुछ दीवारें हैं जो टूट चुकी है, जहाँ से कुछ जानवर हैं वो अंदर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे सारे मंदिर ही बने हुए हैं। जैसे हम एंटर होते हैं वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे गणेश जी का मंदिर, फिर ये है महादेव जी का, फिर ये परशुराम जी। व्यू दिखाता हूँ टेंपल्स जिस तरफ से, कुंभलगढ़ के द्वार से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे टेंपल है, वहाँ से कुंभलगढ़ पूरा दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। रिसॉर्ट की तरफ, बट ऑन द वे थोड़े से अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखे थे, जहाँ पे रास्ते में हमें कहीं भी अच्छी जगह मिलेगी हम वहीं बैठ जाएंगे थोड़ी देर, और थोड़ा सा वहाँ भी एंजॉय करते हैं। ये वेदर बहुत ही अच्छा है टाइम लैप्स बनाने के लिए, तो चलो फिर चलते हैं। तो देखो भाई वापस रिसॉर्ट आ गए, और अब बॉडी ना थोड़ी दर्द कर रही है, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, एक नैप ले लेते हैं, कुछ खा लेते हैं पी लेते हैं, फिर सो जाते हैं, और उसके बाद शाम को फिर से चलेंगे थोड़ा सा घूमने के लिए, और कल मॉर्निंग हमें जाना है कहाँ, उदयपुर। तो अब मैं आपको मिलता हूँ कुछ देर बाद। देखो यार अभी टाइम हो रहा है, कितने बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं 2:50, और बारिश हो चुकी है शुरू, और व्यू देख लो आप। बहुत ही बढ़िया व्यू है। हाँ जी देख लो भाई अपडेट, बारिश हो गई बंद और माउंटेन्स के पास आ चुके हैं बादल, एक लेयर बना दी वहाँ पे, देखो ये देखो, वाह। शाम के 4 बज चुके हैं और तुम्हारा भाई यहाँ बैठ के आराम से व्यू एंजॉय कर रहा है। मौसम पूरी तरह से खुल चुका है, बादल हैं अभी भी, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बारिश होगी, वेदर बहुत ही ठंडा हो चुका है, लिटिल लिटिल हो जाती ना।